हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो थोड़े एग्जाम दे विच 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज़ जनसंख्या उत्ते मार्थल सिद्धांत की है। हुण बच्चे मार्थल का सिद्धांत की है, सब तो पहला मार्थल देखो। मार्थल एक अर्थशास्त्र एंड जन अंकन विज्ञानी है। ठीक है, जिन्होंने ऊपर जिन्होंने बहुत कह लो स्टडी की, उन्होंने की क्या कि जड़ी जनसंख्या आ वो किस तरीके ना बढ़ रही आ कि पहला एक बंदा सी, एक तो दो हो गए। ठीक है, दो तो चार हो गए, चार तो फर्दर किन्ने हो गए, अठ, अठ तो सोलह, सोलह तो बत्ती। मतलब टू टू ना मल्टीप्लाई करो, वन नू टू ना मल्टीप्लाई किया तो टू आ गया, टू नू टू ना मल्टीप्लाई किया फोर आ गया, फोर टू सा एट, एट टू सा सिक्सटीन। इस हिसाब न साड़ी जी जनसंख्या वो बढ़ रही आ, लोग बढ़ रहे आ। ठीक है, बट साड़ी जी खाण पीन की सप्लाई कह लो या फूड प्रोडक्शन कह लो वो किस तरीके बढ़ रहे, वो बढ़ रहे वन टू थ्री फोर। ठीक है, फोर तो बाद सिक्स एट, ईवन नंबरस बढ़ रहे, थ्री नहीं बचे, वन तो बाद टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व। ठीक है, ईवन नंबरस बढ़ रहे। हुण देखो इहदा मतलब जिहड़े लोग आ वो ज़्यादा बढ़ रहे, जो एक सी एक नू एक बोरी कणक की मिल रही सी, जो दो सी उदों भी दो नू दो मिलती सी, जो तो चार हो गया उदों भी चार मिल रहा सी, चार तो बाद सीधा अठ हो गया। सो कणक की बोरी किन्नी सी, छे, छे तो बाद अठ तो बाद सीधा सिक्सटीन पीपल्स हो गए, सोलह लोग हो गए, उस तो बाद उन्होंने बोरी किन्नी मिली, अठ। ठीक है, इदा करके मतलब कि जी जनसंख्या आ वो तेजी ना बढ़ रही, जी सा फूड प्रोडक्शन आ वो इन्ना ज़्यादा तेजी के नाल नहीं बढ़ रही। क्लीयर हो गई बच्चे ये लाइन। इस प्रकार इस तरह जनसंख्या भोजन और स्थान विचकार हमेशा ही एक असंतुलन बनया रहा है। असंतुलन मतलब कि बैलेंस नहीं रहता, एक तो तेजी ना जनसंख्या बढ़ रही है, उपर की भोजन की प्रॉब्लम आ रही है, फूड की प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के रहन की समस्या आ रही है। हुण की हो रहा, जंगलों कट्टिया जा रहा है तो उसकी जगह पर बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। एंड विच बच्चे मार्थल ने की किया कि अगर इस चीज़ का असी सल्यूशन नहीं कढ़ांगे, असी जनसंख्या कंट्रोल नहीं करांगे तो सानू होर भी बहुत सारिया मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई कुदरती जंग हो सकती है, कोई काल आ सकता, कोई सोखा हो सकता, कोई तूफान, बीमारी, कोई नेरी, किसी तरह का भी कोई भी डिजास्टर। ठीक है, कुदरती कोई भी डिजास्टर हो सकता है अगर असी अपने आप को कंट्रोल नहीं करांगे, अगर असी अपनी जनसंख्या कंट्रोल नहीं करांगे तो बहुत सारिया होर भी दिक्कत आ सकदियां आ। ठीक है, सो इंग्लिश मीडियम दे विच भी बच्चे सेम लैंग्वेज यूज़ की हुई है कि इस तरह नाल जनसंख्या वधी आ, ज्योमैट्रिकल ग्रोथ हुई है, और आई फूड की ग्रोथ हुई है, जिन्हों की अर्थमैटिक मीन के लिखा हुआ। ठीक है, अगर नहीं होएगा तो बहुत सारे डिजास्टर्स हो सकते हैं। सेम सेम वर्डिंग आ बच्चे। सो नेक्स्ट देखो, शहरीकरण वातावरण को किवें प्रभाव करता, मतलब शहर के लोग वातावरण मतलब साढ़े इनवायरमेंट को किस तरह ना इफेक्ट कर रहा। नंबर 1 इज़ प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मतलब बच्चे थानू पता कि शहरों के सॉलिड वेस्ट ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल लोग प्लास्टिक के पॉलीथीन ज़्यादा यूज़ करते, सब्जी लैन जाने तो असी एक पर्टिकुलर शॉप तो लैन जाने, उतों की आ सब्जी लैके आनी है तो प्लास्टिक के पॉलीथीन की वरतों करते। पिंड की होंगे कि मोस्ट प्रोबेबली सब्जी वाले आ जाते हैं तो असी अपनी टोकरी या भांडिया ही सब्जी पवा लें, तो उत्थे सॉलिड वेस्ट घट होंगे। सिमिलरली साढ़े घर कह लो जिहड़ा असी कूड़ा करकट हो गया वह भी जिहड़ा आ शहरां दे विच ज़्यादा होगा, जिन्नी ज़्यादा प्लास्टिक होगी उन्ना ज़्यादा थोड़ा कूड़ा करकट होएगा। इहदा मतलब जिन्नी ज़्यादा आबादी वधदी जाएगी उन्ना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट भी वधदा जाएगा, व्यर्थ पदार्थ भी जनसंख्या के नाल वधदा जाएगा। सैकेंड वन आ बच्चे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हुंदा है कि असी जंगलों नूं कट के उहदी जगह ते की आ बिल्डिंग्स बना रहे, फैक्ट्रीज़ बना रहे, घर बना रहे हैं, सो उहदे नाल भी साडा जिहड़ा इनवायरमेंट दे विच इनबैलेंस आ रहा है, बैलेंस नहीं बन पा रहा। लोग वध रहे आ, दरखत कट रहे हैं, पहले ही ऑक्सीजन पूरी पूरी सी, असी होर दरखत कटते जा रहे हैं तो मतलब ऑक्सीजन होर घटती जा रही है। सो एक इमबैलेंस हो रहा है साडा, जंगलों की कटाई ना वातावरण उत्ते प्रभाव पै रहा क्योंकि वध रही जनसंख्या कारण मंगा वध रही है, इसलिए ज़्यादा साधन अते कच्चे माल की जरूरत है। ठीक है, सो उहदे लई की आ सानू फॉर एग्जाम्पल असी घर भी बना रहे हैं तो भी खिड़कियां दरवाजे बनाने लिए सानू लकड़ की जरूरत आ, साडे फर्नीचर के लिए भी साडी कह लो लकड़ की जरूरत आ। सो हर चीज़ विच असी लकड़ की वरतों करते हैं, जिहदी वजह नाल की हो रहा है जंगलों नू कट के असी अपनी जरूरतां तां पूरियां कर रहे हैं पर दूसरे पासे असी इनवायरमेंट नू नुकसान भी पहुँचा रहे हैं।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਬੱਚੇ, ਹੋਰ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਰਸ ਆ, ਸੂਰਜ ਆ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਰਸ ਆ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਲੋਕ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ 900 ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 800-900 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਫਰਿੱਜ ਆ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 1000 ਘਰ ਆ ਤਾਂ 1000 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ 900-950 ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਧੂੰਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਛੱਪੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਛੱਪੜ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੱਪੜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਛੱਪੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੱਪੜ ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਮੋਟਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਿਆ ਆ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਆ ਬੱਚੇ ਬਸਤੀਆਂ, ਸਲਮ ਏਰੀਆਜ਼। ਬਸਤੀਆਂ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਆ। ਬਸਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੰਬਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ 7-8 ਮੈਂਬਰਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ, ਤਾਂ 3-3 ਮਾਰਕਸ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ 2.5 ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।